नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर जहां आयकर विभाग चौकन्ना हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के खातों में अचानक से रुपए जमा होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यूपी के आगरा से भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक शख्स के खाते में एकाएक करोड़ों रुपए जमा हो गए। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं रिपोर्ट। आगरा में एक परिवार की नींद उस वक्त उड़ गई जब अचानक उसके खाते में करोड़ों रुपए जमा हो गए। बिजपुरी के रहने वाले संदीप का स्टेट बैंक में खाता है। अपने घर की जरूरत के लिए जब वे एटीएम से पैसे निकालने गए तो एटीएम से निकली स्लिप देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके खाते में 99,99,91,735 रुपए जमा हैं, जबकि उनके खाते में सिर्फ 8,277 रुपए जमा थे। यह देखकर संदीप दंग रह गए और वो काफी डर भी गए। उन्हें लगा कि एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है। अपने शक को दूर करने के लिए संदीप तुरंत दूसरे एटीएम में दोबारा बैलेंस चेक करने गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें अपने अकाउंट में 99 करोड़ ही दिखे। मैंने वो सोचा कि चलो अकाउंट चेक कर लेते हैं कितना बैलेंस है। आगे मैंने चेक किया तो मेरा इतना अकाउंट दिखा रहा। फिर मैंने अपने दोस्त, मेरे जो दोस्त है साथ में, इनका अकाउंट चेक करवाया। इन्होंने चेक किया तो इनका बैलेंस सही दिखाया। फिर उसके बाद दोबारा फिर मैंने चेक किया तो फिर उसके बाद फिर उसने सेम अकाउंट दिखा रहा 99,99,91,723 रुपये दिखा रहा था। और तो मैं शौक हो गया एकदम। घबराए संदीप ने बैंक अधिकारियों को तुरंत इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आयकर विभाग और बैंक मामले की जांच में जुटा है। आगरा से डीवी लाइव के लिए कामरान बारसी की रिपोर्ट। तो नोटबंदी के बाद हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है, लेकिन यहाँ साफ है कि कुछ लोग अपने काले धन को दूसरों के सर मढ़ना चाहते हैं। देखते रहिए डीवी लाइव।